हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देख लो, मायरा के लिए मैंने ये अमेज़न से मंगवाया है किचन सेट। और आज तो हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू, लुक देख लो इसकी। आज ये जीन्स, ये लग रही ना एकदम आग लगा देगी आज तो। सच में लगा रखी है तूने तो, धूम मचा रखी। मस्त लग रहा हूँ लेकिन मैं, फिटिंग कितनी सही आ गई गाइस। देखो पहले मैं इतनी पतली थी, इतनी पतली। तूने कुछ नहीं करवाया ना तूने इसमें? कुछ भी नहीं। सोच, मैं इतनी पतली थी पहले। अभी कौन सा मोटा? छाप थी। और इसको देख लो जरा। हैप्पी बर्थडे बोल रही है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मायरा। केक खिला दो तम्मा दीदी को। केक खिला दो। केक खिला दो। आया केक भी। केक खिला दो मेरे तम्मा दीदी को। केक खिला दो। खिला दो। नहीं कहती नहीं। खिलाएगी खिलाएगी, देख ले रही है। खिला दो। पानी आ गया था। तो जब से मायरा के ना टॉयज आए हैं ना, ये मायरा को इसी में ही खाना खाना है, मायरा को इसी में ही पानी पीना है। और आज इतनी प्यास लग रही है कि आज तक जिंदगी में कभी इतनी प्यास लगी नहीं। हर दो मिनट। और इसका तो आज बर्थडे है मुड़ी का। तुम्हारी तमन्ना का है आज बर्थडे, तो इसके बर्थडे की आज एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है जैसे इसका जिंदगी का पहला बर्थडे है। वो है क्यों, वो इसकी जुबान ही सुन लो। इन मैडम जी ने एक कारनामा करा था आज से 2 महीने पहले। 2 महीने नहीं, जुलाई में। जुलाई में एक कांड करा था बहुत बड़ा। 19 जुलाई, डेट भी याद है, 2:35 पे। उसके बाद जो कांड करा था ना, उसके बाद इन मैडम जी का दूसरा जन्म हुआ था। तो अगर आप वो सुनने में इंटरेस्टेड हो ना, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ये आपको बताएगी कि इसने करा क्या था। अगर मेरे पास होती ना, इतना मारती ना इसको, याद रखती है इसने जो करा था। तो तमन्ना का बर्थडे है आज और फुल ऑन तैयार होकर आई है। देखो लड़की, अपनी भाषा में बता दे क्या लग रही है। कतई जैर। धूम मचा रखी आज तो तूने। वो बाल क्यों बांध लिए, सुबह ने शैम्पू करके आई थी। अच्छा, तो तमन्ना का बर्थडे आ जाए, लेकिन तमन्ना मनाएगी कल, क्योंकि इसके जो गांव वाली पूरी फैमिली है वो कल ही आप तू बता देना खुद के कल क्यों मनाएगी। मना लोग कहेंगे बर्थडे वाले दिन इसको बुलाया हुआ, काम पे छुट्टी नहीं दे सकते, डिक्लेयर कर दे। वो टिकट ना उनका 12 तारीख का बना नहीं, वरना वो 13 को आ जाते। आज का टिकट बना तो वो कल सुबह 9 बजे आएंगे, तो हम उनके साथ मेहरोली वगैरह ये सब जगह जाएंगे और खाना पीना होगा ना, इसलिए मैंने आज आ गई, कल छुट्टी। और कल तमन्ना आएगी और मैं उसका मेकअप करूंगी। और कल इसने पैदा होते ही भूकंप भी ला दिया था। भूकंप आ गया था, 2 झटके मारे, मैं खाना खा रही थी और इसको पता ही नहीं चला और मुझे भी नहीं पता चला था भूकंप का। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा तमन्ना की अगर स्टोरी सुननी है, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको। लेकिन जब इसने मुझे स्टोरी सुनाई थी ना, अभी तो मुझे हंसी आ रही, उस पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसके ऊपर रोना भी आ रहा था। हाँ, तो चलो मैं ना मायरा के लिए रोटी बना देती हूँ और मायरा खाएगी और फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो मेरा जो अमेज़न का सामान बच गया था वो भी मेरे पास रिसीव हो गया, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, बिकॉज बहुत अच्छी अच्छी चीजें तो अब रिसीव हुई है मुझे। ओके, तो सबसे पहले जो है मेरे पास वो है एक आई शेडो पैलेट। ये देखो कितनी क्यूट सी है, इसमें काफी सारे हैं। ये देखो, ग्रीन ऑरेंज, ये पहले ग्रीन ऑरेंज ब्लू एंड पर्पल। देखो गाइस कितनी अच्छी है। और मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखाऊं क्या? ये देखो, उसको देखो, उसको देखो, येलो वाले कलर की भी दिखाती हूँ। ये देखो, इससे मैं जरूर एक ना एक आई मेकअप लुक क्रिएट करूंगी, फिर आपको पता चल जाएगा ये कैसी है। ठीक है, बहुत ही प्यारी है यार ये। ये देखो कितने सारे इसमें, और मैग्नेट वाली है। इसको देख लो जरा। सो फर्स्ट मैंने ये ली है, ओके। सेकंड मैंने ली है एक ड्रेस, और जो की है रेड कलर की। ये मैंने अपनी वैलेंटाइन डे के लिए मंगवाई थी कि मैं पहन लूंगी, बट ये मेरे को काफी ज्यादा लूज रिसीव हुई है, तो मैं ये रिटर्न कराऊंगी। मैंने इसका देखो निकाला भी नहीं है टैग, क्योंकि मुझे इसको एक्सचेंज कराना है। ये बहुत लूज है, आप देख रहे हो, साइज देख लो आप इसका,
ये देखो, तो रिटर्न करूंगी अपना साइज दूसरा मंगाऊंगी। सेकंड मैंने ये ली है, हेयर कलर था मेरे पास काफी टाइम से, एक भी मतलब काफी टाइम से मेरे पास कोई भी स्ट्रेटनर नहीं था, तो मुझे हमेशा मांगना पड़ता था, कभी जसमीत से कभी मन्नी से। तो मैंने इस टाइम पे अपने लिए एक हेयर स्ट्रेटनर भी ले लिया, और ये वेगा का है, बहुत ही अच्छा है। इस तरह से इसकी जो वायर है वो भी काफी ज्यादा लंबी है, तो आप आराम से, अगर दूर है आपका स्विच बोर्ड तो आप आराम से इसको दूर तक ले जा सकते हैं। और ये देखो इस तरह से इसमें लॉक है, तो ये इधर से ऐसे ओपन होती है और इधर से ऐसे बंद करके लॉक हो जाती है। ओके, नेक्स्ट ली है मैंने ये, और उसके बाद मैंने एक व्हाइट कलर की अपनी जीन्स ली है। मेरे पास बहुत कलर की जीन्स है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है, लाइट भी है, लाइट ब्लू भी है, डार्क ब्लू भी है, सारे कलर है, बस मेरे पास एक व्हाइट जीन्स ही नहीं थी। तो इस टाइम पे मैंने एक व्हाइट जीन्स भी ले ली अपने लिए, और मेरा कोटा पूरा हो गया जीन्स का। 26 साइज आता है मुझे जीन्स में, तो मैंने 26 साइज ऑर्डर करा है। मैंने इसको पहना नहीं है, जब कभी पहनूंगी तो फोटो डालूंगी इंस्टा हो गया, तो इंस्टा पे फॉलो करो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पे बढ़ते। एक मैंने एक मस्कारा भी लिया है, ये देखो ये लिया है मैंने सोल ट्री का, ये बहुत ये न्यू ब्रांड है, और इसकी चीजें ना वो आयुर्वेदिक होती है, तो ये मस्कारा भी आयुर्वेदिक है। मेरा जरा वो देख लो, वो क्या कहते हैं, बिना मिरर के लगा रही हूँ मैं, बहुत अच्छा मस्कारा है, बहुत अच्छी वॉल्यूम देता है, बहुत अच्छे से आपके लैशेस को एक वॉल्यूम भी देता है और लेंथ भी देता है। तो नेक्स्ट मैंने ये लिया है, अभी चीजें और भी हैं। एक मैंने लिए है बहुत ही सुंदर वाली इयररिंग्स, आप देखोगे ना यू विल लव दिस, ये देखो इस तरह के, मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ चेन वाले, बट मुझे पता नहीं क्यों ये इस तरह का स्टाइल मेरे को इतना पसंद आ रहा है ना, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे थे कुछ इस तरह के, ये देखो बाकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है यार, एकदम मस्त वाली। इतना डिस्टर्ब करती है ना ये, इसको पता है मैं वीडियो बना रही हूँ तभी जानबूझ के कर रही हूँ, ये देखो। नेक्स्ट मैंने एक और इयररिंग्स लिए हैं, ये थोड़े से लंबे आ गए हैं, तो मैं इनको एक्सचेंज करके इसका साइज थोड़ा सा छोटा करूंगी, बाकी ये बहुत ही अच्छे रोज गोल्ड कलर में आपके वेस्टर्न वेयर पे साड़ी पे उस पर चल जाएंगे, और सूट पे भी पहन सकते हो, तो मैं इसका साइज थोड़ा छोटा वाला मंगाऊंगी, बिकॉज पिक्चर में मुझे लगते छोटे आएंगे बट ये काफी ज्यादा लॉन्ग आ गए। एक मैंने ली है दीपू के लिए टी शर्ट, एक और ये देखो एम साइज में, और नेक्स्ट एक और टी शर्ट मैंने ली है दीपू के लिए, खोल के दिखाऊं, चलो दिखा देती हूँ, फिर दीपू पहन भी लेंगे। आपके साथ हॉल शेयर करने के चक्कर में ना मैं कपड़े यूज भी नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर यूज हो जाते हैं, फिर धुलने पड़ते हैं, फिर धुल कर फिर वो लुक नहीं आती जो नए कपड़े की लुक आती है। चलो ये मैं खोल ही देती हूँ, कल दीपू पहन लेंगे, कल वैसे भी वैलेंटाइंस डे है। ये देखो कितना प्यारा कलर है। नेक्स्ट मैंने एक ये टी शर्ट ली है, इसको पहन लेना ठीक है कल, अब नहीं बची है अपने लिए एक व्हाइट कलर का टॉप, ये देखो सिंपल सा है बट इसकी स्लीव्स बहुत प्यारी हैं, अम्ब्रेला स्लीव्स है, बस लास्ट बस ओ अभी है। एक मैंने लिया है मायरा के लिए ये रबर बैंड और हेयर बैंड और रबर बैंड क्लिप सेट, मैं पास से दिखा देती हूँ आपको, ये देखो बहुत ही सारे इसमें हैं और मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा ये, तो ये लिया मैंने, ये देखो कितनी क्यूट है, और मायरा इसको लेके इतना खुश हुई थी ना, इसको ले लेके ऐसे घूम रही थी, मायरा लो ओ इसको क्यों मेरी पैलेट फटाफट से ढक दी, मेरी नई पैलेट आई है, इसको तो रख ही दो भाई, ये बर्बाद हो गई ना, इसके मेरा दिल टूट जाएगा, इसको मैं खोल ही नहीं रही हूँ जिस दिन से आई है, लो पकड़ो। नेक्स्ट मैंने, आप हंसोगे देखकर, अच्छा एक चीज और है, एक मैंने रबर बैंड अलग से भी मंगवाए हैं मायरा के लिए, देखो बहुत क्यूट से सारे कलर है, ये ले लो, खोलो कह रही है खोलो, ये ले लो, लो लो ले लो, ये लो कह रही है खोलो, कितना मीठा बोलता है यार मायरा, ये लो ये रख दो दीपू, यूज कर ले जब। ओके नेक्स्ट जो मैंने ली है वो मैंने अपने लिए टी शर्ट ली थी, बट आप देखोगे तो हंसोगे, मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं तो मायरा पहन लेंगे फ्यूचर में, तो मैंने एक नियॉन टॉप मंगाया था अपने लिए, और इस साइज देख लो जरा कि दीपू कड़े पीछे हाँ हंस रहे, ये मायरा का साइज, मायरा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो पहन लेगी यार, मैं इसको वापस नहीं कर रही, तो लास्ट
बस यही सारी चीजें मैंने ली हैं अमेजोन से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा माय हॉल स्टोर का लिंक, जिसके बारे में आपको हमेशा बताती हूँ जब भी मैं अमेजोन शॉपिंग करती हूँ। तो एमएचएस स्टोर के लिंक पे आपको मेरे नाम का कैटलॉग मिलेगा, उसके अंदर जाके आपको मेरे सारे फ्यूचर पास जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ या इससे पे मैंने जो भी प्रोडक्ट लिए उनके सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो आप इजीली वहां पे जाके क्लिक करके कोई भी प्रोडक्ट चूज करके अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। सेम प्रोडक्ट आपको सर्च करने की ढूंढने की जरूरत नहीं है, और मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको लिंक मांगने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस एमएचएस स्टोर के लिंक पे क्लिक करना है, आपको सारी मेरी अभी तक की करी हुई शॉपिंग के लिंक्स वहां पे मिल जाएंगे। सो या चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मायरा सो चुके हैं, हम लोग खाना वाना खा के, मैं थोड़ी सी वीडियोस वगैरह शूट करी थी उसमें टाइम लग गया और अभी 3 बज गए हैं। तो हम लोग तीनों सोच रहे हैं, मायरा सो गई है तो तमन्ना और मैं भी रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर, क्योंकि फिर 4:30 के आसपास प्रिया आ जाएगी, फिर हम लोग उठ जाएंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर पार्क जाएंगे शायद मायरा को लेकर जब मायरा उठ जाएगी। ठीक है, और आज देख कर लग रहा है तमन्ना का बर्थडे, कल पता चलेगा तमन्ना का बर्थडे। अभी वो थोड़ी सी परेशान है, एक्चुअली उसको फोन आया है। तमन्ना तू खुद बता दे। अरे मेरी फ्रेंड के ना सीने में दर्द हो रहा है, उसकी आंखें सूज गई हैं, उसी की वजह से मुझे टेंशन हो रही है। तो इसका मूड ऑफ है, मैंने बोला था चल थोड़ा सा कुछ करते हैं एंजॉय, बट ये कह रही है इसको किसी फ्रेंड का फोन आया है कि इसकी कोई स्कूल की फ्रेंड होगी, और मेरे को ऐसा सुनकर हुआ, मैंने भी अभी इसके फोन में फोटोज देखे हैं तो उस लड़की के फादर भी नहीं है। और मैं ना सुन रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या बात कर रही है कि एक्सरे करा ले अपनी किसी फ्रेंड को बोल रही थी, इसको बोल अपना अकाउंट जाता है ना फिर, अपना अकाउंट नंबर दे दे, एक्सरे करा ले। तो मैंने कहा तू क्या कर रही है, किसका एक्सरे करा ले? तो उसने मुझे बताया कि मेरी फ्रेंड है, मेरे स्कूल में पढ़ती थी, उसके पापा नहीं है तो मैं उसको 1,000 रुपये दे रही हूँ, हम सब फ्रेंड्स मिलके दे रहे हैं, उसकी सिर्फ मम्मी है, उसकी मम्मी को अभी सैलरी नहीं मिली और उसको बहुत पेन हो रहा है, वो खाना भी नहीं खा रही कर रही। इसने मुझे बताया स्कूल टाइम पे भी वो ऐसी करती थी। क्या करती थी? मतलब उसके सीने में दर्द होता था, धीरे धीरे होता था, मैम से बोलती थी सो जाती थी वो, लेकिन अब उसकी आंखें सूज गई है इसलिए टेंशन हो रही है। उसके तो मैंने भी बोला यार देख तेरे को कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को भी बता दे, मैं भी कर देती हूँ, बट नहीं मेरे पे है। ये कह रही है कि मैंने भी उसने एक बुरे टाइम में उससे हेल्प ली थी। हाँ क्या हुआ था तब? तब कुछ नहीं, एक बार स्कूल में बुक मिल रही थी, मेरे पापा पे पैसे नहीं थे, तो उसके पापा मतलब काम करते थे, तो मेरे से बोला भी नहीं उसने कि मैं तेरे को पैसे दूंगी, कहती है चल मैं नहीं दिलवाऊंगी तेरे को, एक मेरी बुक बुक में से मत पढ़ी हो तू, कहीं तू आ जाए ला काजल थोड़ी पढ़ा दे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। और सुबह जब आई तो अपनी बुक भी साथ लेके आई 2,000 की, और 2,000 की मेरे लिए भी बुक लेके आई थी कि ले अब अपनी अलग पढ़ी, मेरे को अलग पढ़ने दियो। तो इसको हो रहा है कि अब मैं कमाती हूँ तो मैं खुद से उसकी हेल्प करूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप लोग सोचोगे ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ये सब दिखा हुआ है बट सच है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तमन्ना को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, और अच्छी बात है, मेरी बेटी को भी ऐसी चीज़ें सिखाओ। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, हम रेस्ट कर लेते हैं, बाय, शाम को मिलेंगे, पार्क जाएंगे। ठीक है, झूला थोड़ा सा ठीक कर ले, ठीक हो जाएगी वो। ठीक है, दुआ कर, सबसे बड़ी दुआ होती है, पैसे देने से ज्यादा होती है दुआ करना किसी के लिए। ठीक है, और वो लड़की बहुत सुंदर है यार, मैंने भी उसकी फोटो देखी, मैं कह रही थी इसको लेकर आइयो एक दिन घर पर। तो मायरा सोकर उठ गई है और अब हम लेके जा रहे हैं उसको पार्क, वो बस अपने बाल बंधवा रही है और हम पार्क जाएंगे, और उसके बाद आकर तमन्ना कह रही दीदी मेरा थोड़ा सा मेकअप कर देना, क्योंकि आज घर पर उसका भाई उसका केक कट करवाने वाला है। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं कर दूँ। मायरा क्या हो गया? टूट गया। खुद बोला भी इसने टूट गया। चलो पार्क। मायरा टूट गया। चलो टूट गया। बोला इसने खुद ही। हाँ हाँ मैंने सुना। मुझे एक पार्क के पास ही एक टूट गया। अरे यार कैसे जाऊँ चलकर? मैंने एक पार्क के पास ही टेलर है, उनको अपना एक सूट दिया हुआ था फिटिंग के लिए, मेरे को वो भी लेना है, और मैं बता नहीं रही थी इतनी देर से। एक्चुअली ना हमने कल ही सोच लिया था कि हम तमन्ना का एक केक कट करवाएंगे, तो मुझे वो भी लेने जाना है। क्या नहीं दिखाया फोन? हाँ हाँ दिखा फोन। मैं फोन लाने लगी हूँ अपना, और पूरा दिन फोन में लगी रहती है बस। तो चलो ना तेजी तेजी से, मैं आ रही हूँ अपनी पर्सनल बातें करके।
चलना चल सारी बातें सुना कर। तो हम लोगों ने कल ही डिसाइड कर लिया था, हमने कल ही डिसाइड कर लिया था कि हम उसका केक कट करवाएंगे, और मैं भी पार्क जा रही हूँ, तो तमन्ना मायरा के साथ खेल रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं जाऊँगी, फटाफट से ऑर्डर दूँगी केक का, और वो घर पे भिजवा देंगे, जैसा भी होगा मैं पिक कर लूँगी आकर। तो मुझे केक लेना है, आज हम उसका केक कट करवाएंगे जाने से पहले। और उसने मुझे बोला थोड़ा सा मेकअप कर देना, क्योंकि घर पे भी उसका भाई की बर्थडे तो देखो आज ही है, चाहे वो कल सेलिब्रेट कर रही है, उसकी सारी फैमिली गाँव वगैरह से कल आ रही है, बट बर्थडे तो आज ही है ना। तो मुझे पता उसका थोड़ा सा मूड ऑफ है अपनी फ्रेंड के चक्कर में, बट वो थोड़ा सा खुश हो जाएगी। और उसने बोला मुझे थोड़ा थोड़ा सा मेकअप कर देना, क्योंकि मैं फ़ोटो वगैरह क्लिक करूँगी, तो मैं पहले उसका मेकअप करूँगी और फिर हम केक कट करवाएंगे और फिर वो घर चली जाएगी। अब आप पकड़ो चीटिंग से, मारा स्लाइड पे जाओ, स्लाइड कर, अब देखना स्लाइड के लिए कैसे भागेगी, स्लाइड बहुत पसंद है इसे, जल्दी जल्दी मारे स्लाइड। काउंट भी करेगी, इसको पता है काउंट कराती है, काउंट कराती है ना, बोलो 1 2 3 तेज बोलो 5। सो गाइज, मैंने तमन्ना और मायरा को भेज दिया, मैंने तमन्ना को ये बोला है, और देखो मैं क्या बैंड लगा कर ही आ गई, मायरा ने उतार दिया था। तो मैंने ना तमन्ना को ये बोला है कि कल वैलेंटाइंस डे है, तो मैं उसके लिए भैया को सरप्राइज़ देने के लिए कल के लिए केक ऑर्डर करने जा रही हूँ, और तू घर चली जा। मैं उसके साथ कॉल पर ही थी, वैसे जहाँ से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, मैं उसको कॉल कर लेती हूँ और कॉल पर रहती हूँ। रास्ते में फिर डर लगा रहता है, बच्चा है ना साथ, मैं उसको कॉल कर रही हूँ और देखती हूँ कि वो घर पहुँच गई या नहीं पहुँची। मैं आ गई हूँ कैंडीज, और यहीं से ही बनवाऊँगी, मतलब यहीं से ही ऑर्डर दूँगी मैं तमन्ना के केक का, और फ्रेश हुआ तो ले ही लूँगी फिर। जैसे कि मुझे तो पाइनएप्पल भी पसंद है, बट तमन्ना को चॉकलेट पसंद है, तो मैं ये वाला ले रही हूँ। चॉकलेट केक तो काफ़ी सारे हैं, उसको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, मैंने अभी ये वाला केक लिया तमन्ना के लिए। केक ले लिया है और अब मैं जाऊंगी टेलर के पास, और मैंने ना दूसरा केक ले लिया, एक्चुअली वो बाहर से दिखने में वाइट है, बट जब वो कट करेगी वो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था, और तमन्ना को कॉफ़ी पसंद है, तो वो कॉफ़ी कप केक था, फैंसी ब्लैक फॉरेस्ट केक है, और बहुत सुंदर है, आप लोगों ने देखा अभी, तो आई होप उसको पसंद आएगा, और उसने बिल्कुल सोचा नहीं होगा मैं उसके लिए केक लूँगी। तो मैं फटाफट से टेलर के पास जाती हूँ, सूट उठाती हूँ और घर जाती हूँ, और घर जाने पर तमन्ना गेट खुलेगी तो मैं इसको केक को पहले कहीं रख दूँगी। फिर मैं घर पहुंच गई हूँ, और देखो इसमें कैसे जो बातें हैं बोलूँगी, ये तो भैया के लिए ले आई मैं। बहुत अच्छा हो गया कि जैसे ही मैं केक लेकर आई ना, तमन्ना वॉशरूम गई थी, और इसको देखो किचन में बैठ के राइस खा रही है, रख दिया मैंने, आ गई वो, आ गई। तू बड़ा वॉशरूम जा रही है, तेरा भी पेट खराब तो नहीं है प्रिया के साथ? अभी ना मैं बनाने जा रही हूँ राजमा, राजमा बॉयल हो रहे जब तक, तो मैं तड़का रेडी कर देती हूँ उसका। और एक बार मम्मी जब मामा जी के घर गई थी तो मैंने राजमा बनाए थे, तो सबको बहुत पसंद आए थे, दीपू को बहुत ज़्यादा पसंद आते थे, तो दीपू सब्जी वगैरह तो खा ही लेते, रोटी भी खाते, तो वो एग्स वगैरह जो भी खाएंगे उसके साथ राजमा खा लेंगे, बिकॉज वो डाइट करें जैसे कि आपको मैंने बताया। तो राजमा मैं बना रही हूँ, और अभी 6 बजे 7 बजे के आसपास मैं तमन्ना को रेडी भी करूँगी, 6:30 7 के आसपास, और फिर केक कट करके फिर तमन्ना चली जाएगी। तो राजमा हमारा इधर बॉईल हो रहा है, और इधर मैंने टमाटर प्याज और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैं जीरा और तेल डाल के इसको थोड़ी देर भूनूंगी, जब तक टमाटर गलेंगे, और उसके बाद ठंडा करके इसको पीस लूँगी। मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ राजमा। इनसे अंदर आई हूँ तो देखो मुझे क्या सरप्राइज़ मिला, तमन्ना ने क्या हेयर स्टाइल, ओ तेरी ये नहीं लगी रहेगी, निकल जाएगी, कुछ भी मेरे जैसा हेयर स्टाइल कर दिया। मैं कह रही हूँ इतनी देर क्यों लग गई, और इसको देखो इतना स्टाइल मार रही है, मायरा कैसी लग रही है? मायरा तो ये टॉयज नहीं छोड़ रही बस। अच्छा तो अब मैं करने जा रही हूँ तमन्ना का मेकअप, थोड़ा सा लाइट, और मेरे राजमा का तड़का जब तक वो भुन रहा है, मैं एक्साइटेड। अभी देख लो इसका फेस, ये देखो
अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ जब तमन्ना रेडी हो जाएगी। हाथ रख। तो गाइस देखो तमन्ना का मेकअप और अभी मैं हेयर कर रही हूँ। हेयर के लिए मैं ये वाला स्ट्रेटनर यूज कर रही हूँ, मैंने अभी अमेज़न से मंगाया। मेरे लिए इतने यूज कर दिया, फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ। हल्के हल्के से ही करूंगी बट क्योंकि बाल डैमेज होते हैं और मुझे पसंद नहीं है ज्यादा स्ट्रेटनिंग, ये तो बस इसकी पिक्चर्स अच्छी आ जाए इसके लिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पसंद। मेरा मेकअप दीदी ने कैसा किया है, बिल्कुल कैटरीना कैफ की तरह एकदम नेचुरल करा है मैंने, कुछ नहीं कैटरीना कैफ की तरह एकदम नेचुरल। कल भी आऊंगी मैं मेकअप कराने भाभी से, क्योंकि मेरे को जाना है ना मैं। कभी बोलती है दीदी, कभी बोलती है भाभी, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। दीदी दीपू आ गए हैं बस, और अब मैं अपना फाइनली ये वाला अमेजोन का हॉल भी शूट कर लूंगी। तमन्ना मायरा को लिया बस आज का ब्लॉग मेरा यही था। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और तमन्ना आ गई थी, चली गई, और दीपू आ गए, सब आ गए। अब हम केक कट करेंगे, अंदर आएगी और बाहर टेबल पे जिसमें जब तक केक लगा दें। तमन्ना को ये पार्टी पॉपर दे दिया है, वो ये यूज़ कर लेगी अच्छे से घर पर, क्योंकि इसका भाई केक कट करवाएगा। खराब तो नहीं हुआ है? नहीं नहीं। चलो 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 बाहर चले, बाय करें, चलो खुश। देख कैसे हो गई। ओ हेलो हेलो अल्लाह मैंने देखा ही नहीं अभी करेंगे ये उस दे इधर किससे निकलवाया मैंने, कहा इसको बोला है घर पे ले जा यूज कर लियो। पहला बर्थडे याद है ना जो कांड करा था उसके बाद दोबारा जन्म हुआ था एक तरह से। सब घर पे सब एक्साइटेड हैं, जैसे एक साल का बर्थडे। नहीं ना सब आज होगी ना, मैं कर लेती हूँ। अरे यार मैंने इसीलिए तो ध्यान नहीं गंदी तो ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं लग रही। पहले केक की ले ली। अबे वीडियो तो देख लेती, बन भी रही है कि नहीं। चल कोई नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आज तो तमन्ना तमन्ना ही नहीं लग रही मेकअप वेकअप करके। राजमा राइस रेडी है। तो गाइस हमने खाना खा लिया और अब हम अपने अपने सब रूम में आ गए हैं और अब हम करेंगे मूवी डाउनलोड और हम मूवी देखेंगे। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।